नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बादल एवी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की मशहूर गायिका कविता कृष्णमूर्ति के बारे में। 70 के दशक में बॉलीवुड में एक गायिका आई। शुरुआती दिनों में वो सिर्फ डबिंग किया करती थी। डबिंग यानी वो गाने जो लता मंगेशकर या आशा भोसले को गाने होते थे वो उन्हें रिकॉर्ड करती थी। बाद में संगीतकार को जब लता जी या आशा जी से डेट्स मिल जाती थी तो वो उन गानों का फाइनल टेक रिकॉर्ड करती थी। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब उस गायिका को ज़्यादातर संगीतकारों ने इसी काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आखिर एक दिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से कह ही दिया कि वो इंडस्ट्री में सिर्फ डबिंग कलाकार बनने के लिए नहीं आईं। इसके बाद उन्होंने अपने इन्हीं मजबूत इरादों के साथ इंडस्ट्री में काम करना जारी रखा। आखिरकार करीब एक दशक बीतने के बाद 1980 में उन्हें पहली बार वो गाना मिला जो उन्होंने गाया, और वही गाना फिल्म में भी गाया। वो कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति, और वो फिल्म थी मांग भरो सजना। इसके बाद अगले दशक यानी 90 के दशक में वो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे कामयाब प्लेबैक गायिका बनी। उन्हें 90 के दशक में 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उन्होंने एक बेहद मंझे हुए कलाकार के तौर पर अपनी पहचान बनाई। आप 1942 अ लव स्टोरी के गाने को याद कीजिए, प्यार हुआ चुपके से, फिल्म याराना का गाना मेरा पिया घर आया, या देवदास का गाना डोला रे डोला, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ का जवाब नहीं। आज हम आपको उनके बचपन में ले चलेंगे और बताएंगे कि कैसे शारदा नाम की लड़की कविता कृष्णमूर्ति बन गई। कविता जी का बैकग्राउंड काफ़ी अलग था। कविता जी प्योर तमिलियन थी और उनके पड़ोस में एक बंगाली फैमिली रहती थी, और दोनों परिवारों में कमाल की दोस्ती भी थी। यह दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब कविता के पिताजी को बड़ा घर मिला तो उनके पड़ोस में जो भट्टाचार्य अंकल रहते थे उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया और दोनों परिवार साथ ही रहने लगे। एक ही छत के नीचे दो अलग अलग परिवार, और इन दोनों के साथ रहने का मतलब था कि दो संस्कृतियों का मिलना। बंगालियों के यहाँ भी गीत संगीत का बहुत माहौल होता है, और दक्षिण भारत में तो हर घर में संगीत किसी न किसी तौर पर रहता ही है। लिहाजा कविता जी को संगीत तो सीखना ही था। और एक संयोग यह भी था कि कविता कृष्णमूर्ति जी जहाँ रहती थी वहीं उनके पड़ोस में हेमा मालिनी भी रहती थी। हेमा मालिनी भी उन दिनों भरतनाट्यम सीखा करती थी, और कविता ने भी बचपन में भरतनाट्यम सीखा था। लेकिन जल्दी ही कविता ने रट लगा दी कि उन्हें डांस नहीं बल्कि गाना सीखना है। कविता कृष्णमूर्ति का परिवार दिल्ली में कालीबाड़ी के पास रहता था। वो दिल्ली में जीसस एंड मैरी स्कूल में पढ़ती थी। बचपन से ही संगीत को लेकर उनका समर्पण इतना था कि खेलकूद को छोड़कर वो 3 घंटे रियाज करती थी। अपने गुरु के बारे में कविता जी कहती हैं, ये उस समय की बात है जब गुरु जी ने मुझे आसपास के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी थी। उन दिनों मंत्रालयों में भी गीत संगीत की प्रतियोगिताएं हुआ करती थीं। मैंने 3 प्रतियोगिताएं जीतीं। जब तक मेरा स्कूल खत्म हुआ तब तक मेरी मामूनी आंटी को यकीन हो गया था कि मैं गाना गा सकती हूँ। ये उनका ही सपना था कि मैं गाने गाऊँ। इससे उलट संगीत सीखने के बाद भी मेरा सपना था कि मैं कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी करूँ जहाँ विदेश में मेरी पोस्टिंग हो जाए। दरअसल कविता जी को घूमने का बहुत शौक था। बाद में उन्होंने IFS का एग्ज़ाम भी दिया जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी बीच हेमा मालिनी जी ड्रीम गर्ल बन गई थी। उन्होंने बहुत नाम कमा लिया और उन्हीं की देखा देखी कविता जी भी मुंबई पहुंच गईं। शुरुआती संघर्षों के बाद कविता जी को पहला गाना रिकॉर्ड करने का मौका लता जी के साथ मिला, जिसका विश्वास उन्हें भी बहुत लंबे समय बाद हुआ। अब आते हैं कविता जी की दिलचस्प कहानी शारदा से कविता कृष्णमूर्ति बनने की। असल में हेमंत दा और मन्ना दा दोनों कविता जी की जिंदगी में पिता की तरह ही रहे। कविता कृष्णमूर्ति का असली नाम शारदा था और वह इसी नाम से जानी भी जाती थी। परेशानी यह थी कि शारदा राजन नाम की एक और बड़ी गायिका हुआ करती थी। फिल्म सूरज का उनका गाना तितली उड़ी बहुत लोकप्रिय हुआ था, और कविता जब भी स्टेज पर जाती तो लोग सोचते कि यह वही शारदा हैं, और लगभग सभी शोज में उनसे तितली उड़ी गाने की फरमाइश होती थी। और कविता जी को हर बार बताना पड़ता था कि उनका नाम भी शारदा है लेकिन वह शारदा नहीं है। और वह यह भी बताती थी कि वह सिर्फ लता जी और आशा जी के ही गाने गाती हैं। हेमंत दा और मन्ना दा दोनों इस बात को जानते थे, और एक दिन हेमंत दा बोले कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, यह नाम बदलना पड़ेगा। और यह बात लेकर जब कविता कृष्णमूर्ति घर पहुंची और इस बात का जब उनकी मामूनी को पता चला तो उन्होंने उनका नाम शारदा से बदलकर कविता रख दिया।
तो दोस्तों यह थी शारदा से कविता कृष्णमूर्ति बनने की दास्तान। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी पसंद आई हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके जो भी राय या विचार हैं वो कमेंट करके हम तक जरूर पहुँचाएँ। जल्दी मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में कोई और नई जानकारी, नई कहानी या फिर कोई नया किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।